उत्साहित करने का कि आप कुटीर उद्योग के लिए अपने हक की लड़ाई लड़े। इस दिशा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कुछ ऐसे कुटीर उद्योग को हम लगाए जहां के हमारे जन जन को लाभ पहुंचे बिना प्रदूषण के। मैं चाहता हूं कि हर गांव में, मुंबई से टीम आई थी, हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए एक गांव में 100 परिवार है तो आपको बिजली नहीं चाहिए, बोलिए मेरे को बिजली नहीं चाहिए, मेरे को इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं चाहिए, क्या करेंगे उसका। आपके गांव में जो गोबर होता है, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको जो है एक करके आप उसमें से गैस बना सकते हैं और उस गैस से हर घर को कम से कम 500 वाट की बिजली और खाना की पूर्ति हो सकती है। इसमें गांव के कुछ लोगों को उसको चलाने के लिए अपनी रोजी रोटी का भी एक साधन हो सकता है। मेरा प्लान है कि यहां से है कि हम हर जगह बायोगैस प्लांट लगाएं। इसके साथ ही जैसा कि आज का ये जो इवेंट है बेसिकली स्पोर्ट्स का है, 34th स्पोर्ट्स कंक्लूडिंग डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका ये संस्था 1984 में इसका जन्म हुआ था, 1987 में इसको वैल्यूएशन हुआ था, तब से लेकर के आज तक आपके हेडमास्टर ने बहुत से लोगों के योगदान को याद किया। किस तरह से उनके योगदान से आज आपका स्कूल नाम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और शायद उसी की वजह से हम आप सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मेरा उन सभी को नमन है, मेरा अभिनंदन है जिन्होंने इस स्कूल के उत्थान के लिए आगे आए और अपना योगदान दिया, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से दिया हो, चाहे पारिश्रमिक रूप में दिया हो, चाहे पैसे से दिया हो, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हमने लेडीज एम्पावरमेंट की भी बात करी मिश्रा जी से, हमने कहा कि जितने भी पंचायत हैं जो लेडीज लोगों को हमने वहाँ पे अभी झांकिया में अभी कुछ महीने पहले हुआ था, हमने कितने 40 सिलाई मशीन उन परिवारों को दिया गया था जहाँ पे कन्याएं खुद जो है अपना काम कर सकती थी। तो ये केवल अभी एक शुरुआत हुई है, 30 दिया गया। मेरा ये है कि जहाँ से पाइपलाइन जाती है जितने भी पंचायत के उसमें ऐसे गरीब परिवार जो भी देते हैं उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं था। उड़ीसा की इस धरती पर रहे ये भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। आइए इस धरती को हम
नमन करते हैं। आज जय सिंह जी ने हमको भाव विभोर किया, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया जब इन्होंने महात्मा गांधी जी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज इस संदर्भ में कि पोरबंदर जिले में उस समय उसको प्रेसिडेंसी या मुंबई बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, वहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। एक ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिनकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा पोरबंदर में, उसके बाद राजकोट में होने के बाद गांधी जी इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ से लॉ में डिग्री लिया और जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, छात्र छात्री मैंने निरवर छुड़ाए कौन पिला विशृंखलित आचरण करना बर्तमान पता अवतरण करीड़ा पता अवतरण करमानित समस्त अतिथिगण पता पीठ उपस्थित रही समस्त अतिथिगण आम गहन समस्त अतिथिगण ये आम पता अवतरण कार्य जारी रखी